राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। किसी भी देश के विकास का आधार उस देश के सेहतमंद नागरिकों पर निर्भर करता है। स्वस्थ नागरिक ही किसी देश के विकास की कुंजी है। सकल राष्ट्रीय आय की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से भारत एक है, लेकिन जब बात स्वास्थ्य सेवाओं की आती है तो हम वो तस्वीर देखते हैं जो दुर्भाग्य से बहुत अच्छी नहीं है। बता दें कि हमारा देश विश्व स्तर पर लोगों को उत्तम उपचार प्रदान करता है, बावजूद इसके हमारा चिकित्सा क्षेत्र कई तरह की चुनौतियों का सामना भी कर रहा है। भारत के ग्रामीण क्षेत्र तो विशेषकर कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे आबादी के अनुपात में अस्पतालों और डॉक्टरों की कमी, सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं, आधारभूत संरचनाओं, दवाइयों, कुशल व प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य सुविधाओं का अभाव आदि। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन से भारत के ग्रामीण क्षेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। विशेष तौर पर ग्रामीण महिलाओं और बच्चों तक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में इस अभियान का अहम योगदान है। आज इस मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को कई तरह के लाभ हो रहे हैं, जैसे मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों में कमी आ रही है, मलेरिया व डेंगू जैसी बीमारियों में कमी आ रही है, लोग मक्खी मच्छर से होने वाली बीमारियों के प्रति सचेत हो रहे हैं, स्थानीय बीमारियों में कमी आ रही है, संचारी व गैर संचारी रोगों के रोकथाम एवं नियंत्रण में मदद मिल रही है, महिलाओं एवं बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, मिशन द्वारा स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा मिल रहा है, कमजोर एवं वंचित समाज तक चिकित्सा सेवाएं पहुंच रही हैं, चिकित्सा के मामले में पंचायती राज संस्थान आत्मनिर्भर हो रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रत्येक गांव के लिए एक प्रशिक्षित महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी उपलब्ध कराई गई है। इन कार्यकर्ताओं को लोग आमतौर पर आशा कार्यकर्ता बोलकर संबोधित करते हैं। बता दें कि आशा कार्यकर्ताओं को गांव से ही चुना जाता है, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों के प्रति वो उत्तरदायी होती हैं। कोरोना संक्रमण के मुश्किल दौर में भी इस योजना ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों को बड़ा सहारा दिया है। अपने गांव की परेशानियों के बारे में आशा कार्यकर्ताओं को अच्छी समझ होती है, जैसे किसका घर कहाँ है, कौन से घर में कौन बीमार है, कौन सा अस्पताल गांव से पास पड़ेगा आदि। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा कार्यकर्ताएं गांव और सहायक नर्स दाई के बीच एक कड़ी की तरह काम करती हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत इंद्रधनुष योजना से भारत में वैक्सीनेशन कार्यक्रम को अधिक मजबूती मिली है। इसके तहत तेज गति से सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को उचित उपचार नहीं मिल पाता है, इस योजना के तहत उनका वैक्सीनेशन सुनिश्चित किया जा रहा है। प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक पहले पूर्ण टीकाकरण कवरेज में वृद्धि 1% प्रतिवर्ष थी, लेकिन मिशन इंद्रधनुष के पहले 2 चरणों में ही ये बढ़कर 6.7% प्रतिवर्ष हो गई है। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। हमारे देश में पोषण संबंधी विभिन्न कमियों की वजह से विद्यालय जाने से पूर्व अवस्था में ही बड़ी संख्या में बच्चे विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। अधिकतर बच्चों में विकासात्मक अवरोध से संबंधित बीमारियां पाई जाती हैं। समय रहते अगर इन रोगों पर काबू नहीं पाया गया तो ये स्थायी विकलांगता का रूप भी धारण कर सकती हैं। बच्चों में होने वाले कुछ रोगों को लोग बहुत ही आम मानते हैं, जैसे दांत, आंख, दस्त और श्वसन से संबंधित रोग, लेकिन विशेषज्ञ बताते हैं कि इन रोगों को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए।
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बच्चों को जांच और उपचार की सभी सेवाएं दी जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत नवजात शिशुओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांच के लिए सुविधाएं मिल रही हैं। वहीं जन्म से लेकर 6 सप्ताह तक के बच्चों को आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर में ही जांच की सुविधाएं मिल रही हैं। 6 सप्ताह से 6 वर्ष तक के बच्चों को समर्पित मोबाइल स्वास्थ्य टीमों द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र पर जांच की सुविधा मिल रही है। वहीं 6 वर्ष से अधिक के बच्चों को समर्पित मोबाइल स्वास्थ्य टीमों द्वारा सरकारी अस्पतालों में जांच की सुविधा मिल रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आया, सेहत का नया सवेरा लाया।